नमस्कार दोस्तों, एआर लाइफ एंड टेक में मासूम आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हैं हम कार में, और आप समझ सकते हैं हम कार में हैं, तो कार का वीडियो के बारे में बात करेंगे, यानी कार के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे बाइक साइड के मेरे कार के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कार के वीडियो मेरे देख सकते हैं। बहुत अच्छे मेरे कार के वीडियो चल रहे हैं, कुछ मेरे रिव्यू कार के पर्सनल क्यूवी का, जो मैंने कार बेकार टाइटल दिया था, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आज बात करेंगे कि कार बेकार को मैंने क्यों कहा, या लोग अपने, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि अपनी कार जो मतलब पर्सनल उनकी ब्रांड की कार होती है, अगर मारुति की है या अगर हुंडई की है या अगर महिंद्रा की है, टाटा की, मतलब जिस कार को वो लोग यूज कर रहे होते हैं खुद, उस कार के बारे में बुराई नहीं करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके दिल में उस कार के लिए। तो बात करेंगे इस सब बारे में, और अगर आप भी कार लवर हैं या कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या मेरा पर्सनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा, और आप इस तरह हमारे इस जो छोटा सा परिवार है YouTube का, इसके एक सदस्य बन जाएंगे। हमारा परिवार 1000 सब्सक्राइबर करीब गेन होने वाले हैं, यानी 1000 का होने वाला है हमारा यह YouTube का परिवार। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था और देख रहा था तो मैंने देखा यार, एक कार जो होती है, एक कार को लेता हूँ, उस कार का एक रिव्यू पड़ा है अच्छा, कार बिक भी रही है, और एक दो रिव्यू उसमें ऐसे आ जाते हैं बहुत बेकार। मतलब कार के बारे में एक आदमी बहुत ही अच्छा बता रहा है, एक अच्छे तरीके से बता रहा है, और दूसरा आदमी उसको एकदम से बेकार बताया जा रहा है। इसी तरीके से जब हम कार खरीदने जाते हैं तो एक एजेंसी अपनी कार के बारे में बहुत अच्छा बताती है, दूसरी कार के बारे में बिल्कुल उल्टा बताती है। ऐसा नहीं बताएगी कि, जबकि जो लोअर क्लास मतलब यानी जो कम बिकती हैं कार कंपनियां जिनकी, वो भी उस जो बड़ी कंपनी बिक रही है उससे भी उसको भी नीचा दिखाएगी। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल आपके बहुत प्रकार के ऐसे ब्रांड हैं इंडिया में जो कि कम चल रहे हैं, तो उनकी जो कार कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि जो बड़ा ब्रांड जो खूब बिक रहा है उसकी बुराइयां कर रही होती हैं, जो नहीं बिक रहा है वो बुराई कर रहा है बड़े। तो ये सब क्यों करते हैं, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यानी जैसे कहते हैं कि अपनी कार से जिस सबको होता है प्यार, तो यानी अपनी कार से अपनापन होता है सबको, तो वो सही से रिव्यू नहीं दे सकता। हमको कैसे समझना है, हमको दोस्तों सभी प्रकार के रिव्यूज को देखना है, 10-15 प्रकार के रिव्यू देखना है हमें। हर कार एजेंसी जाकर अगर आप कार नहीं ले रहे हैं तो आपको हम हर जगह जाकर आपको कार की टेस्ट ड्राइव, पर्सनल टेस्ट ड्राइव लेनी होगी। अगर आपका ड्राइवर है, आप नहीं चलाते हैं, तो आप ड्राइवर के भरोसे रहेंगे नहीं, अपने ड्राइवर से कहिए कैसी कार चलाने की, उसके सजेशन पर चलिए, तो टेस्ट ड्राइव में आपको समझ में आ जाएगा। अब बताता हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं लोग कि खुद की कार की बुराई नहीं करते, खुद की कार की थोड़ी बहुत बुराई कर देंगे। मतलब मैंने जैसे अपने क्यूवी के बारे में आपको सब कुछ सही सही बता दिया, क्योंकि मुझे अपनी कार बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है मुझे अपनी कार नहीं पसंद या मेरा मेरी कार बर्बाद है या मेरी कार बेकार है या मैं फंस गया, मुझे किसी ने फंसा दिया, ऐसा कुछ नहीं, कोई मुझे नहीं फंसा सकता, फंसाएगा कौन, खुद का। मुझे ये कार अच्छी लगी और मैंने उसमें रिव्यू में जो ये बताया था कि कार मेरी में क्या क्या प्रॉब्लम, तो सच में वो कार में प्रॉब्लम है वैसी। अगर आप उस प्रॉब्लम के होते हुए भी इस कार को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, किसी भी कार को अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं निकल चुका हूं यहां पर घर की ओर, क्योंकि मैं जिस काम से आया था वो काम मेरा हो गया है और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो बात कर रहे थे कार की, अपनी बुराई कौन नहीं करता, तो मैंने अपनी कार की बुराई की मैंने आपको बताया, सही सही बताया था कि क्या क्या उसमें करना है आपको, क्या क्या अगर प्रॉब्लम आप हैं तो झेल कर आप यूज कर सकते हैं अपनी कार को, यानी आप खरीद सकते हैं। तो कोई भी कंपनी की कोई भी कार बेकार नहीं कही जा सकती, कोई भी कार बेकार नहीं होती, बट आपको समझने वाली बात है कि आप उसमें अच्छाइयां जो हैं, जैसे कि 5 अच्छाइयां हैं और 1 बुराई है, तो क्या 5 अच्छाइयां बड़ी हैं या 1 वो बुराई ज़्यादा आपको दिक्कत कर रही है। अगर आपको 1 बुराई वो ज़्यादा दिक्कत करे तो आप वो कार ना लें, क्योंकि वो बुराई आपको प्रॉब्लम करेगी, आगे चल के आप इरिटेट होने लगेंगे उससे। तो इस तरह है, और कभी कभी कुछ कार में 4-5 बुराइयां होती हैं और 1-2 अच्छाइयां होती हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिक रही होती है और उसमें बुराइयां होती पर बिक बहुत रही होती है, तो लोग जो देखते हैं वही खरीद लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं।
जो मैं बता रहा था कि सभी प्रकार के रिव्यूअर लोग कार का रिव्यू करते हैं, और कुछ लोग अपनी कार की जरूर बड़ाई करते हैं, अपने ब्रांड की जरूर बड़ाई करते हैं, यानी जो ब्रांड वो यूज कर रहे होते हैं उसकी बड़ाई जरूर करेंगे, और दूसरी कार की बहुत ही ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी कार सही होती हैं, सभी इंसान परफेक्ट नहीं होते, ना ही कार परफेक्ट होती है और ना ही इंसान परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है कैमरा मेरा, क्योंकि कार चल रही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में कुछ आ गया होगा। अगर आप कार लेने वाले हैं तो सभी एजेंसी जाकर आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिए फर्स्ट, और सभी प्रकार के लोगों की बात सुनिए और करिए अपने मन की। सिर्फ सुनना हमारा काम है, करना हमें अपने मन से है। और ये रिव्यू जो हैं 10-15-20 प्रकार के हर यूट्यूबर के रिव्यू देखिए, और सभी रिव्यू का सही देखिए कौन सा यूट्यूब चैनल, और इस तरह के यूट्यूब चैनल का पर मत जाइए जो फ्रॉडिया हैं, जो सिर्फ एक कार उन्होंने ली और उनके साथ कोई हादसा हो गया या उनके साथ कोई दिक्कत हो गई तो वो पूरी कार को ही बर्बाद बोल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी जेब से खर्चा होने लगता है तो उनको वो कार बेकार लगने लगती है। तो ऐसा नहीं है, कार अगर आपके पास होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा नहीं कि वो पूरी कार बेकार होती है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह की रोचक जानकारी आपको कार की चाहिए और मेरे पर्सनल ओपिनियन आपको अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, हमारे वीडियोज आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाया करेंगे और जिसे आप जल्दी से जल्दी आप देख सकेंगे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय।